पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बाजार में बिजली का खंभा गिरने से हड़कंप मच गया। भीड़भाड़ भरे बाजार गंज में दोपहर विद्युत पोल गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सीओ कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों ओर से रास्ते को बंद कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बीच बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष विजय मदान ने बताया कि उन्होंने इस खंभे को लेकर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गुप्ता और अधिशासी अभियंता एस के सिंह से शिकायत की थी। अधिशासी अभियंता ने उपखंड अधिकारी राहुल गौतम को मौके पर भेजकर जांच कराई थी। उपखंड अधिकारी ने खंभे को पूरी तरह ठीक बताया था, मगर बुधवार शाम करीब 3:45 पर खंभा धीरे धीरे एक ओर झुकता चला गया। उसका ऊपरी भाग सामने ही स्थित वी के ज्वेलर्स की दुकान के छज्जे पर जाकर टिक गया। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय यह है कि इस खंभे पर 11,000 किलोवाट के साथ साथ अन्य लाइनें भी चल रही हैं। आनन फानन में क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद करा दी गई। उपखंड अधिकारी राहुल गौतम बिजली टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रस्सा डालकर खंभे को सीधा कराने का प्रयास करने लगे, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि क्रेन मंगाई जा रही है, इसके बाद ही खंभे को ठीक कराया जाएगा। मैं विजय मदान, व्यापारी सुरक्षा फोरम का महानगर अध्यक्ष। मेरी जानकारी में ये कल भी आ गया था किस्सा, जबकि ये खंभा जो है बिल्कुल गिराव हालत में था और यहाँ के दुकानदारों ने मेरे पास सूचना दी, तो मैंने एससी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और आज एक्सीएन महोदय एस के सिंह जो यहाँ के सेकंड के, उनको भी मैंने सूचना दी, तो वो बोले कि हाँ आज ही आज मैं करवा देंगे। तो ये सुबह 11 बजे की बात है, मैंने दोनों अधिकारियों से बात करी है, लेकिन अभी तक उसके कुछ भी कार्यवाही नहीं की। अभी ये गिर गया है, ये गिरने का ही इंतजार कर रहे थे अधिकारी लोग, और अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है और कुछ भी इसके साथ में अभी कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है, ये शायद इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनहानि नहीं हुई है, ये बस गनीमत हुई है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आपके सामने है, देखिए क्या किस हालत में है खंभा। ये ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बची गया, मतलब तो ऊपर गिरा पड़ा हुआ है। कितने दिन से शिकायत कर रहे थे? 3 दिन से इसकी हालत यही है, लेकिन आज मैंने विशेष तौर से एससी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और एक्सीएन महोदय श्री एस के सिंह महोदय को, दोनों को मैंने व्यक्तिगत शिकायत करी है। मैंने मेरे फोन द्वारा उनसे वार्ता हुई है, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि आज मैं इसको ठीक करवा दिया जाए। लापरवाही की वजह से? लापरवाही तो पूरी हो रही है, विभाग की लापरवाही पूरी हो रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।